दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ धूमनगंज के पास जयंतीपुरम में, राजदेव पब्लिक स्कूल के ठीक बगल में यहाँ पे लगती है नौ दुर्गा युवा समिति की तरफ से दुर्गा पूजा। और यहाँ पे माता रानी की इस साल सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी प्रतिमा है, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। सामने है हमारी माँ की प्रतिमा, आप देख सकते हैं माँ हमारी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही, देख सकते हैं माँ के चेहरे की चमक देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ के कमेटी मेंबर हैं और ये आपको बताएंगे यहाँ पे दुर्गा पूजा कब से लग रही और यहाँ कैसे मतलब तैयारी की जाती है। हेलो भैया, यहाँ प्रथम दुर्गा पूजा है नौ युवक दुर्गा समिति। अच्छा, यहाँ इस साल मतलब पहला साल है? पहला साल है और मतलब ये हर साल संपन्न होगा कार्य माँ के पंडाल में। हमारे समिति के सभी कार्यकर्ता लोग मिलके माँ के पंडाल का आयोजन करें हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे यहाँ पहले साल लग रहा था, मतलब इसका आयोजन करने का विचार कैसे आया? ऐसे ही बैठे बैठे सारे हमारे मोहल्ले के दोस्त मित्रगण ऐसे ही विचार आया, तो हम लोगों ने कहा कि अब की साल से माँ का पंडाल अपने ही भी जयंतीपुर में भी लगाया जाए। क्योंकि मैं जैसे यहाँ मैं हमेशा से पढ़ा, मेरे बगल में कोचिंग थी राजदेव पब्लिक स्कूल के अंदर, मैं कोचिंग थी मैं आता था और हमेशा जब आता तो मुझे याद दुर्गा पूजा जाना पड़ता था, दुर्गा पूजा पार्क या महामाया वाला, और यहाँ है बहुत ही अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये प्रथम है और आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से ये हर साल होगा, संपन्न होगा। काल में सुबह प्रातः 10 बजे आरती होती है, फिर 10:30 बजे बरसात वितरण होता है, फिर 7 बजे शाम को आरती होती है और 7:30 बजे प्रसाद वितरण होता है। और भंडारा कब होना है? भंडारा हमारा लास्ट में 12 तारीख को है, नवमी के बाद दसवीं में। और विसर्जन कब? 13 तारीख को ना? 13 तारीख को विसर्जन है, 13 तारीख को विसर्जन होना है। तो भाई लोग जो जो ये वीडियो देख रहे हैं आस पास से आइए और यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और देख सकते हैं माता रानी के यहाँ सच में कितनी ज्यादा प्यारी प्रतिमा है।